एंड वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक. आपको पता है इसके बाद समीना का सेक्शन है, तो मैं थोड़ी सी जिसमें हमको वो आज एक और मज़े की गोश्त के साथ और सब्जी के साथ डिश बनाएंगी. लेकिन उससे पहले मैं सोची थी कि फ्रॉम द फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट. ए वील स्टार्ट बुक को तो हम डिटेल में बात करेंगे. दिस इज़ द बुक दैट सईद साहब इज़ रिटन एंड इट्स अ फैंटास्टिक. आई मीन आई जस्ट लव द फिनिश. आई जस्ट मुझे जो जिस चीज़ से मुझे एक और एक तो सब्जेक्ट मैटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इसका होना सिर्फ एक वजह से भी बहुत अच्छा है कि आप पाकिस्तान के बारे में कुछ सीख सकें, अपने मुल्क के बारे में, कि ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल इन योर कंट्री. द अदर थिंग इज़ आई लव द फिनिश एंड द इन द What's the word called? The quality of the book. And इसमें आपने fishes की fishes तो होती नहीं है उनके. आपने you showed us कि हम ये हमारे variety of Pakistan. ये हमारी जो पाकिस्तान में जो varieties हैं उनके local names, सिंधी नाम और English नाम और ये सब कुछ और ये सारे हम खा सकते हैं. ये सब खा सकते हैं. ये हम सारे खा सकते हैं लेकिन ये रेडीली अवेलेबल है. चैप्टर भी दिया है ना, व्हाट टू ईट एग्जैक्टली. फिर आगे जाके खाने वाली है और रेसिपीज भी दी है. और ये सॉल्ट वाटर फिशिंग इसलिए बिकॉज समंदर का पानी जैसे आपको पता है सॉल्टी होता है, तो उस समंदर में जो आपको मछली मिलती है. और उसके अलावा ये है, उन्होंने रेसिपीज भी दी हुई है ऑफ फ्रेशली कुक्ड फिश. I'll try and find. Oh, humor bhi hai. Fishing terminology bhi hai. Meaning, it's a fun book. I think aap family ke liye, non-fishermen ke liye bhi question answers hai. It's very very educational. Bahut easy reading hai. Aur ye available kahan? Ye any bookstore? All the bookstore? It is now we are giving it to the distributors. Haan. It is available with Aga Sport Fishing. All right. Achha, theek hai. Wahan jahan ki just because abhi book launching abhi hui hai. On the 6th of May. So we are giving it to, you know, Liberty and Say Publishers and Aga Supermarket. It will soon be available. Next week I think it will be available everywhere. Dekhiye, sea sickness ki baat ho rahi thi. Us pe ek pura chapter hai on sea sickness. Ki usko hum kaise? I think this is fantastic. This is really really. It's taken me 8 years. 8 saal aapko lage hain, huh? 8 years. That's and ये जो style है लिखने का, जैसे आपने children's page है, ये I think these are the recipes method. हाँ, ingredients and recipes. ये what's cooking, that's the name of our segment also, what's cooking. इसमें देखें आपने recipes भी दी हुई है सारी and style of cooking की. और ये recipes जैसे catch करते वहाँ की है कि नहीं, ये तो घर में home cooking की है. हाँ, देखिए मैं आपको इसमें एक बात जरूर बताऊँ कि मछली हमारे यहाँ सिर्फ फ्राई करके खाने का एक रिवाज है. हर मछली ले आए उसको फ्राई कर दी. मछली हम बॉईल करके, बेक करके, सूप बना के पीते हैं, पकोड़े बनते हैं, कोफ्ते. माय वाइफ मेक्स एक्सेलेंट फिश कोफ्ता. फिश टूना के फिश शामी कबाब. एक्सेलेंट. हमारे घर में तो मछली 10 तरह से खाई जाती है. आम 8-10 वेज ऑफ कुकिंग फिश इज कॉमन. Every fish is not for frying, but people don't know. Baking है. You know, baking है. अच्छा, सालन है. आप टमेटो के साथ हमूर, जो सऊदी अरब और कुवैत में, you know, हमूर is supposed to be the fish. हमारे यहाँ भरा हुआ है, जिसे हम गिस्सर कहते हैं, ग्रुपर, गिस्सर. वो आप वो सालन वाली मछली है. हम उसको भी फ्राई कर देते हैं उठा के. यू नो, टूना को आप फ्राई करें तो अच्छी थोड़ी टेस्ट करती है. कहना ये मछली मजा नहीं आया. तो हर मछली फ्राइंग के लिए नहीं है. अल्लाह ने इतनी एग्जाम की मछलियां बनाई हैं फॉर अ पर्पस. तो वो आपने इसमें दिया हुआ है कि हमने सब दिया हुआ है कि भाई कौन कौन सी मछली, उसके सिंधी नाम क्या है और खाने वाली, व्हाट टू ईट कराची मार्केट में. एंड उसमें ये भी है, हाउ टू कीप कैच फ्रेश, हाउ टू प्रिजर्व. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसका चैप्टर है. अच्छा, कि अगर आपने ताजा मछली, हाउ टू प्रिजर्व इट, हाउ टू प्रिजर्व इट. फिर उसमें एक चैप्टर ये है कि विच फिश आर द डेलिकेसीज. सिंध की डेलिकेसी कौन कौन सी है. कराची में से आप मछली जो खरीदते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई, व्हाट टू बाय, वहां जाकर आप कौन सी मछली मांगे. वैसे डांगरी, रामस मछली फ्रेश सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है कराची में? मैंने अगर मैं कल जाऊं, हाँ, सिंगल बेस्ट प्लेस इज इंप्रेस मार्केट में. क्योंकि वहाँ गोरे आते हैं ना. हाँ. अंग्रेज तो 2 नंबर मछली नहीं खाएगा ना. हाँ. सब क्वालिटी. हाँ. ही वांट्स टॉप क्वालिटी फिश.
तो आई थिंक इम्प्रेस मार्केट इज द बेस्ट आंसर। और उनके पास नॉलेज भी है फिश का जो बेच रहे होते हैं या? अनफॉर्चुनेटली मरीना, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारे यहाँ एक कल्चर है जरा सा झूठ बोलने का। फिशरमैन जो है ना, हर मछली, क्योंकि पाम्पलेट, रोहू, सुरमई, ये तीन हर आदमी जानता है, हर मछली वही है। भाई सर, सर ये भी रोहू की किस्म है, ये मीठे पानी की सुरमई है, सब झूठ कि वो बिक जाए, कि आप ले जाए, आप कहने भाई उसकी तो टेस्ट तो नहीं आ रहा, ये तो कोई और मछली है। ठीक है, तो अभी आप ये कर सकते हैं कि ये किताब पढ़ें और फिर आप जाएं कि नहीं ये वैसी नहीं है, इस मछली का ये नाम है और मुझे ऐसे। देखिए मैं आपकी छोटी, सॉरी, छोटी दुआ, मेरा बेटा साइकिल चला रहा था शायद, छोटा भी नहीं, यंग, वो हम बोटिंग बेसिन में रहते थे, आवर नेबर, शी वाज अ क्रिश्चियन लेडी, शी वाज बाइंग फिश फ्रॉम अ फिशमॉन्गर, वो टोकरी में, छल्ली में मछली लेकर आते ना साइकिल पे, वो कह लेंगे वो रोहू मछली कह के बेच रहा था, वो साइकिल चलाते थे, उसने सुना रोहू, रुका, क्योंकि फिशरमैन का बेटा है, यू नो, शिकारी का, वो रुका, कह लेंगे आंटी ये तो बैराकूडा मछली है। He recognized it. कौन सी मछली, तुम रोहू कैसे कह रहे हो उसको? वो कह लेंगे यार ये बच्चा, बेटा तुम जाके खेलो, मेरा बिजनेस क्यों खराब कर रहे हो? वो फंस गया, वो कहते ये तो बैराकूडा मछली है, कहते अब्बू तो पकड़ कितने लाते हैं, कहते कि नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू अब्बू कैचेस फिश, माय फुल कॉलोनी यूज्ड टू हैव फिश, रियली, मुझे, मैं आता था, दे यूज्ड टू वेट, क्या साहब जी ने सरप्राइज मछली जो हमारे पास होती थी, इवन माय पठान चौकीदार कहता साहब मैं तो मछली, ऐसे मछली के आदी हो गए थे सब, सब लोग मछली खाने लगे, मछली से बेहतर कोई गजा नहीं है। तो उसको कैसे, फॉर इंस्टेंस आप दिन को कैच करते हैं जी, तो उसको फिर आइस बॉक्स, आइस बॉक्स उसमें डाल देते हैं, इसमें एक चैप्टर है आल्सो हाउ टू प्रिजर्व द कैच, उसमें आप देखिएगा तस्वीर, हम लोग आइस पैक कर रहे हैं, मछली पकड़ पकड़ के हर थोड़ी देर बाद हम लोग ब्रेक लेते हैं और खुद करते हैं। हम जब गोरों के साथ गया, आई वेंट विद द स्विट्जरलैंड का काउंसिल जनरल अलेक्जेंडर कुबली, आई सॉ हिम मेकिंग हिज ओन फिश, जो मछली उसको पसंद आई, यू नो, माही माही एक बड़ी अच्छी मछली है, हवाई में मिलती है और यहाँ हमारे पानी में है, वो खुले पानी में मिलती है, वो लगी, सबसे पहले तो उसने क्या किया, उसका पेट चीरा और रो उसके अंडे निकाले और ऐसे खा गया कच्चे, उसका फिले विले बना के आइस पैक करके अपना छोटा कैच। अच्छा, बना के, खुद गोरा अपनी मछली बनाना भी जानता है, आई नो हाउ टू क्लीन फिश, आई कैन टेक आउट गुड फिले, सुरमई में बहुत आसान है उसका स्किन निकालना, यू नो, बनाना। देयर इज अनदर कॉल, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे? मैं रुबीना वकार बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी रुबीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं एक महीने से आपकी कॉल मिला रही हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। आज मिल गई, मुबारक हो आपको। बड़ी मुश्किल से। चले जी, चले, एटलीस्ट मिल गई, दैट्स द मेन थिंग। बात भी नहीं कराते ये लोग भाई, बड़ी मुश्किल से कराते हैं। हाय 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 हाय, सो सॉरी सो सॉरी जी। ये मुझे इनसे भी ये पूछना था, जैसे हम लोग कराची जाते हैं तो हम लोग जैसे आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे चाहते हैं कि हम किसी नई जगह जाएं, तो मतलब इनके पास जाने के लिए हमें क्या प्रोसीजर जो है वो अपनाना पड़ेगा? आई थिंक पहले भी उन्होंने कहा था, जो हम नंबर्स आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं और जो इनका वेबसाइट दे रहे हैं, टेलीफोन नंबर्स भी देंगे आपको, तो आप उनको फ़ोन करें, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनका दफ्तर है तारिक रोड के साइड पे, अलामा इकबाल रोड, वेरी इजी, नियर यूनाइटेड बेकरी, यूनाइटेड बेकरी के साथ अलामा इकबाल रोड पे उनका दफ्तर है, तो वहाँ आप फोन कर, जैसे अभी आपको नंबर्स नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, जी जी, तो इन नंबर्स पे। और दूसरे ये कि हमारी यहाँ मछली सबको पसंद है, लेकिन कांटों की वजह से ना मैं खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, जी। तो मैं, मुझे ऐसी मछली का नाम बतानी जिसमें कांटे नहीं हो, इसका मैं जवाब देता हूँ, देखिए। और दूसरी मरीना, मैं आपसे एक बात ये करना चाहती थी, जब आप एक्सरसाइज कराती है तो जरा देर तक कराया करें, क्योंकि वो उस वक्त कर रहे होते हैं तो हम भी कर रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है, और फिर वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो गलत ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप गलत ना लीजिएगा, मैं आपको यही एडवाइस कर सकती हूँ कि एक दो दफा आप रिकॉर्ड करके ना, अगर उनका पूरा हफ्ता फॉलो करेंगे तो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, लेकिन आई थिंक रुखसाना बताती हैं कि आज हम सिर्फ स्टमक की कर रहे हैं, आज हम वेस्ट की कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा आई थिंक अगर आप गौर करें, बढ़ा नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली हम टाइम, जो टाइम है हमारे पास वो ही है, उसमें थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। मुझे अब फिर से बात करनी दोबारा से, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा चले जी, आप फिर से ट्राई कीजिए, हमारे पास 15 सेकंड रह गए, ब्रेक पे जा रहे हैं। जो है ना वो एक्सरसाइज रोज बताया करें, पेट की, पेट ही बड़े हुए होते हैं। ठीक है, मैं छोटा सा जवाब दे देता हूं, मैं अभी, व्हेन वी कम बैक, जी वी गोइंग ऑन अ ब्रेक, डू कम बैक, एंड व्हाट्स कुकिंग हमारा सेक्शन, यू नो।